वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस विद आंसु। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया वॉल्यूम 2 से, जिसमें आज सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। अगला प्रश्न है, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना परसेंट भाग घेरे हुए हैं? मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग घेरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो दोस्तों, लद्दाख का मैदान हिमानीकृत प्रकार का मैदान है, ऑप्शन नंबर ए, जबकि कश्मीर का मैदान झीलकृत मैदान है। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों, वह फसल है मूंग की फसल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है कराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए। केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण केटू के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सदाबहार वन में। सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि गलत दिया गया है। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है तथा इसमें लौह अंश की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिकप मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल का रोग हो जाएगा रस्ट रोग, ऑप्शन नंबर डी। जबकि खैरा रोग धान में होता है, करनाल बंट रोग गेहूं में, पनामा सूखा रोग केले में होते हैं, लाल सरण रोग गन्ना में, श्वेत फपोला रोग सरसों में, अर्गट रोग बाजरा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918।
जबकि भारत का लिंगानुपात है 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन है? भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, जबकि रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित तांबे की खान है, जबकि कदरेमुख, चिड़िया तथा बेलाडीला, यह तीनों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। कदरेमुख कर्नाटक में है, चिड़िया झारखंड में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा किस देश की नदी है? महावेली गंगा श्रीलंका देश की नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है सोर्तुगई, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोटदीजी, मोहनजोद्रो, बालाकोट एम चुनहुद्रो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सैयद राजवंश की स्थापना की थी खिज खान ने। अगला प्रश्न है, वांडी वंश के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? वांडी वंश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। वांडी वंश का युद्ध 1760 को हुआ था, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता सर आयरकुट थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंडिलाली ने किया था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी सीएफ एंड्रूज को। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। इस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह युद्ध 1792 की श्री रंगपटवन की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और इसे हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, ऊंचाई मापने का यंत्र है? ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर, जबकि पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमान मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म सेल कितने वोल्ट का होता है? तो दोस्तों सूक्ष्म सेल 1.5 वोल्ट का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? जो तत्व नहीं है वह है पानी, पानी जो कि यौगिक है। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया मिश्रण है HClMHNO3 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है वह है गैस, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भागों धातु अधातु उपधातु में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? बहुलक नहीं है वह है घी, ऑप्शन नंबर ए। घी बहुलक नहीं है जबकि स्टार्च रुई प्रोटीन बहुलक है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी कई उप इकाइयों से बनता है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रयोगशाला में निर्मित भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला है। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल के दौरे का कारण होता है? दिल के दौरे का कारण होता है हृदय तक रक्त आपूर्ति में कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिनी भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े में ले जाती है? तो दोस्तों वह है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर सी। हृदय के दाहिनी भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े में ले जाती है फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किसमें बनते हैं? एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों बनते हैं अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, पिन्ना। पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है बल्कि यह सिर के बाहर दिखने वाला कान का बाहरी भाग है जिसे ऑरिकुला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है? तो दोस्तों वह खनिज है जिंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है वह है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का उपयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है?
तो दोस्तों सीरा का प्रयोग एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। तो दोस्तों वह लौह इस्पात कारखाना हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है? आसान सा प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है आम का, जबकि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टोरस है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिनस है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिगणा है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह कोविड वैक्सीन का नाम हो जाएगा एनोकोवैक्स। अगला प्रश्न है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? टाटा सन्स ने एयर इंडिया का विलय किया है एयर एशिया में। अगला प्रश्न है, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन सा है? तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के भाग 12 में किया गया है। संविधान के भाग 12 में तथा अनुच्छेद 268 से लेकर 293 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किया गया ब्राजील में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने। हरियाणा ने पेनल्टी शूट आउट में हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 3-1 से पराजित कर इस खिताब को जीत लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत दिया गया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी तीनों सही दिए गए हैं।
अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एसी मुखर्जी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका साहेब कालेरकर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है वह है जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत ने चीन देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तकें या पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है सावित्री, युगांतर तथा लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें सभी कथन सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया फिल्म सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सैनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णु वर्धन को दिया गया फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी शेरशाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो दोस्तों कपास उगाया जाता था मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? सौरभ चौधरी संबंधित है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर ए। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। एम कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी बजरंग पुनिया एम विनेश फोगाट हैं। थैंक यू।